आइए दोस्तों सुनते हैं एक सुंदर कहानी भाग्य का लेख। बात बहुत पुरानी है, किसी गांव में एक विद्वान पंडित रहता था। नाम था ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त ने संस्कृत में कई शास्त्रों का अध्ययन किया था। पूजा पाठ करवाने में भी वह काफी निपुण था। अपने इसी विद्वता के कारण आसपास के गांव में भी पंडित का काफी नाम था। और यही कारण था कि दूर दराज के गांव के लोग चाहे शादी ब्याह हो या मुंडन या फिर कोई ग्रह दोष पूजा, सभी लोग पंडित ब्रह्मदत्त को ही याद करते थे। गांव के धनी जमींदार पंडित की बुद्धिमानी से प्रसन्न होकर उसे दक्षिणा में काफी धन भी देते थे। और यही कारण था कि पंडित होते हुए भी ब्रह्मदत्त गांव के धनी लोगों में से एक माना जाता था। पंडित का परिवार ज्यादा बड़ा नहीं था। पंडित अपनी पत्नी सुशीला के साथ एक बड़े से घर में अकेला रहता था। पंडित को कोई बेटा तो था नहीं, ले देकर एक बेटी ही थी जिसका विवाह पास ही के गांव में हो चुका था। बेटी के विवाह से पहले पंडित ने अपने होने वाले दामाद की अच्छी तरह से जांच पड़ताल की थी और अपनी बेटी की जन्म पत्री भी अच्छी तरह से जांची थी। सभी ओर से तसल्ली पाकर ही उसने बेटी की शादी की थी। शादी के कुछ समय तक तो बेटी का जीवन पूरी तरह से सुखी था, लेकिन शादी के कुछ वर्षों के बाद बेटी के भाग्य ने करवट बदली और उसके पति की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। कहते हैं ना कि जब समय बुरा आता है तो अच्छे अच्छों की मत मारी जाती है, और यही पंडित के दामाद के साथ हुआ। पंडित का दामाद बुरी आदतों में पड़ गया। जुआ और शराब की बुरी लत ने उसे सड़क पर ला दिया। आखिर जुए ने तो जब महापराक्रमी पांडवों तक का विनाश कर दिया था, तो फिर हम और तुम को चीज ही क्या है। और इसी जुए और शराब की लत के कारण पंडित की बेटी के घर की हालत काफी खराब हो गई। बेचारी बहुत ही गरीबी में दिन काट रही थी। अपनी इकलौती और लाडली बेटी की हालत देखकर पंडितानी बहुत दुखी रहती, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। आखिर एक दिन दुखी होकर पंडिताई ने पंडित से कहा, सुनो जी, भगवान का दिया हमारे पास बहुत कुछ है। हम यहाँ आराम से खा पी रहे हैं और उधर हमारी लाडली दाने दाने को मोहताज हो रही है। मेरी बात मानिए और बेटी के घर जाकर उसकी कुछ अन्न और धन से मदद कर आइए। आखिर हमारा सब कुछ हमारी बेटी का ही तो है। पत्नी की बात सुनकर पंडित जी दुखी स्वर में बोलते, भगवान तुम ठीक कहती हो, लेकिन मेरा ज्योतिष ये कहता है कि अभी बेटी का बुरा समय चल रहा है। अभी उसके भाग्य के सभी दरवाजे बंद हैं। यदि इस समय हम उसे कलश भरकर भी सोना देंगे तो वह भी उस तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उसका भाग्य उस तक धन पहुंचने ही नहीं देगा। पति की ऐसी बात सुनकर पंडिताई और ज्यादा दुखी हो जाती और मन ही मन सोचती, कितना स्वार्थी पिता है, अपनी बेटी को इतने कष्ट में देखकर भी उसकी मदद करने से मना करता है। आखिर जो भगवान ने इतना सारा धन धान्य दिया है, वह हमारी बेटी के काम तो आना ही चाहिए। हमें कोई और दूसरी औलाद भी तो नहीं है। इस प्रकार पंडिताई हमेशा बेटी के दुख से दुखी रहती। लेकिन उधर इसके विपरीत पंडित ऐसा नहीं सोचता था। ऐसा नहीं था कि पंडित अपनी पुत्री से प्रेम नहीं करता था, लेकिन उसने बेटी की कुंडली इतनी अच्छी तरह से पढ़ी थी और वो यह भी जानता था कि वह चाहे किसी और लड़के से भी उसका विवाह करवाता, लेकिन उसके जीवन में यह बुरा समय आना ही आना था। उसके भाग्य में यह दुख लिखा ही था, और भाग्य का लिखा तो स्वयं ब्रह्मा भी नहीं बदल सकते। उधर पंडित की बेटी के घर की हालत दिन पर दिन बदतर होती जा रही थी। और एक दिन ऐसा भी आया जब बेटी और दामाद दाने दाने के मोहताज हो गए। ऐसे में पेट की आग बुझाने के लिए बेटी को अपने मायके की याद आई और लाचार होकर बेटी अपने पति के साथ अपनी माँ के घर पहुंची। बेटी दामाद को देखकर पंडित और पंडिताइन खुशी से फूले नहीं समाई और उन्होंने बेटी दामाद की खूब आरा भगत की, अच्छे अच्छे पकवानों और फलों से उनका आदर सत्कार किया। उधर बेटी के मन में बार बार यह बात आती कि क्यों ना अपने माता पिता से कुछ मदद मांग ली जाए, लेकिन फिर उसका स्वाभिमान उसे ऐसा करने से हमेशा रोक देता था। कुछ समय वहाँ गुजारने के बाद एक दिन बेटी और दामाद वहाँ से वापिस लौटने लगे। लेकिन माँ तो आखिर माँ ही होती है। इतने दिनों में माँ ने बेटी के दर्द को अच्छी तरह से महसूस किया था।
आखिर पंडिताइन से रहा नहीं गया और उसने बेटी की आर्थिक मदद करने की ठान ली। सो बिना पंडित को बताए उसने चोरी छुपे बूंदी के लड्डू बनाए और उन लड्डुओं के अंदर मावी की जगह सोने के सिक्के भर दिए और उन लड्डुओं को बेटी को देते हुए बोली, बेटी ये लड्डू रास्ते में तुम्हारी भूख मिटाने के काम आएंगे। पंडिताइन यह बात अच्छी तरह से समझ गई थी कि बेटी शर्म के कारण उनसे मदद नहीं मांग रही थी, इसलिए उसने बेटी दामाद को लड्डुओं में छिपे हुए सोने के सिक्कों के बारे में कुछ नहीं बताया। जाहिर सी बात है कि जब वे लोग घर जाकर लड्डू खाएंगे तो उन्हें उनमें से सोने के सिक्के मिल ही जाएंगे और इस प्रकार बिना उनके मांगे ही उन तक मदद पहुंच जाएगी। ऐसा सोचकर पंडिताइन के मन में बेटी के लिए कुछ राहत मिली। उधर बेटी दामाद उनका आशीर्वाद लेकर अपने गांव की ओर रवाना हो गए। उन दिनों गाड़ियां तो होती नहीं थी, केवल घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ियां ही चलती थी। यदि हाथ में रुपए ना होते तो दूसरी चीजों के लेन देन से व्यापार का काम होता था। बेटी दामाद का गांव पंडित के गांव से कोसों दूर था, फिर भी पैसे की कमी के कारण वे लोग पैदल ही अपने गांव की ओर चल पड़े। आधा रास्ता तय हो चुका था कि बेटी के पांव में मोच आ गई, अब उसको चलना भी मुश्किल लग रहा था। पंडित के दामाद ने जब देखा कि उसकी पत्नी अब और नहीं चल पाएगी तो उसने एक तांगा अपने घर तक किराए पर ले लिया। दोनों पति पत्नी तांगे पर बैठकर घर तक पहुंच गए, लेकिन तांगे वाले को देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए बेटी ने वही बूंदी के लड्डू किराए के तौर पर उस तांगे वाले को दे दिए। तांगे वाला बूंदी के लड्डू लेकर खुशी खुशी चलता बना। तांगे वाला अपने घर की ओर जा रहा था कि रास्ते में उसे एक हलवाई की दुकान दिखाई दी और वह सोचने लगा, इन थोड़े से बूंदी के लड्डुओं से मेरे परिवार का पेट तो भरेगा ही नहीं, इससे अच्छा तो मैं इन लड्डुओं को बेचकर उनसे कुछ चावल खरीद लेता हूँ। और ऐसा सोचकर तांगे वाले ने वो बूंदी के लड्डू हलवाई को बेच दिए। जिस गांव में वह हलवाई रहता था उसी गांव के एक आदमी ने उसी दिन अपने घर पर पूजा रखवाई थी और पूजा के लिए उसने पंडित ब्रह्मदत्त को बुलवाया था। और संयोग तो देखो, पूजा में लगने वाले प्रसाद के लिए उस आदमी ने उसी हलवाई से वही बूंदी के लड्डू खरीद लिए। उधर पूजा समाप्त होने के पश्चात उस आदमी ने पंडित को दक्षिणा और वो बूंदी के लड्डू दिए। दक्षिणा और बूंदी के लड्डू लेकर पंडित जब घर पहुंचा और खाने के लिए बैठ गया तो खाते समय लड्डुओं में से सोने के सिक्के निकले। उधर पंडिताइन ने जब अपने दिए हुए बूंदी के लड्डुओं को अपने ही घर में पंडित को खाते हुए देखा तो उसे अपनी बेटी की बेबसी पर बहुत रोना आया, उसकी आंखों से आंसू की धारा बह निकली। पंडित ने जब पंडिताइन से उसके रोने का कारण पूछा तो पंडिताइन ने पंडित को सब कुछ सच सच बता दिया और पंडित से उसकी बात पर भरोसा ना करने के लिए माफी भी मांगी। तब पंडित ने पंडिताइन के आंसू पोंछे और कहने लगा, भगवान तुम्हारी तरह मैं भी अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अभी कुछ समय तक उसका बुरा समय चल रहा है। हम चाहे उसकी कितनी भी मदद क्यों ना करें, लेकिन उसका भाग्य उस तक वह धन पहुँचने ही नहीं देगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार उसके भाग्य ने उसके हाथ में आए हुए सोने के सिक्कों को भी उससे दूर कर दिया। मैंने उसकी जन्म पत्री में देखा है कि कुछ समय के बाद उसके ग्रहों की दशा बदलने लगेगी और तब उसका भाग्य भी उसका साथ देने लगेगा। पंडित की बात सुनकर पंडिताई खामोश हो गई। खैर दिन इसी प्रकार बीतने लगे और देखते ही देखते 7-8 महीने और बीत गए और एक बार फिर से बेटी दामाद पंडित के घर पधारे, लेकिन इस बार उनकी हालत पहले से बेहतर दिख रही थी। तब पंडिताइन के पूछने पर बेटी ने बताया, माँ पिछले 2 महीनों से मेरे पति ने सभी बुरी आदतें छोड़ दी हैं और एक दुकान पर नौकरी करने लगे हैं। इतना कमा लेते हैं कि घर का गुजारा ठीक ठाक चल जाता है। बेटी की बात सुनकर पंडिताइन के मन में बहुत संतोष पहुँचा और उसे पंडित की बात याद आई। धीरे धीरे जब उसके ग्रहों की दशा बदलेगी तब उसका भाग्य भी उसका साथ देने लगेगा और तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। सचमुच होता वही है जो भाग्य में लिखा होता है, हमें मिलता भी वही है जो हमारे भाग्य में होता है, क्योंकि भाग्य बहुत बलवान है। जो भाग्य में लिखा होता है
वो हमारे पास भागकर आता है, और जब भाग्य में ही ना हो तो आया हुआ धन भी चला जाता है। सचमुच भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता। धन्यवाद। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और मेरी ऐसी ही दूसरी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।